भाई गॉड कुकीज भी तूने टॉप 5 में रखा है? मैंने कहा रखा टॉप 5 में, मैंने रखा टॉप 5 में, मैंने बोला ये अनएक्सपेक्टेड वाले लिस्ट में, जैसे कोई कुछ कर सकता है अगर बहुत तगड़ा तो आ गया, मैंने टॉप 5 में नहीं रखा, मैंने रखा है कि भाई क्या पता वो हो सकता है टॉप 3 में भी आ जाए, हो सकता है कि 10 में हो, ये मुझे नहीं पता, ये उनकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अभी तो बहुत नई टीम बनी है ना यार, यू कांट यू नो जज देम बाय 2 और 3 मैचेस और बाय जस्ट एन इवेंट। अभी जैसे तुम आईकुसोल की बात करो, इनको हमने इवेंट और इवेंट आगे अच्छा खेलता देखा है, टीम तमलास की बात करो, लास्ट 2 महीने का रिकॉर्ड था तो अच्छा खेल दिया और इंप्रूवमेंट चलते जा रही है, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से। बट टीम गॉडलाइक अगर तुम लास्ट 2 महीने के रिकॉर्ड उठाओगे तो प्लेयर्स चेंज होते गए, तो तुम यू कांट जस्ट से कि हाँ ये लाइनअप ऐसा खेल जाएगी, बुरा खेल जाएगी, अच्छा खेल जाएगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जो नए प्लेयर्स आए वो कैसा खेल रहे हैं, तो ये वो एक चीज है। पाजी क्यों टीम सीरियस नहीं खेल रही है इन यूई, वाई अकॉर्डिंग टू यू? अरे यार लास्ट मैच था ना भाई, मतलब ऑलरेडी रिजल्ट्स वर डन कि भाई टीम ऐसे टीम सोली जीतने वाली है। हाँ टीम तमिलास ने सीरियसली खेला बिकॉज उनको पता कि लास्ट मैचेस में भी वो मौका रहेगा, और दे डिड इट एंड उसका फायदा हुआ टीम तमिलास को। बट लास्ट मैच में हाइड्रा ने चिकन निकाला, अगर हाइड्रा चिकन निकालते तो तुम सोचो ना टीम तमिलास तुम्हें सेकंड दिखती, जिस स्पीड से टीम तमिलास आगे बढ़ी थी, क्योंकि टीम तमिलास भाई हर मैच सीरियसली खेले जा रही और हर मैच में अच्छे अच्छे वो आ रहे थे पॉइंट्स। अब तो ग्रैंड फाइनल्स में कौन सा पॉइंट्स ऐड होंगे पाजी? अब तो इसके ग्रैंड फाइनल्स के लिए वीक 1 और वीक 2 के जो पॉइंट्स है, चार चार दिन जो खेल रहे हैं वो ऐड होंगे, ये जो दो दो दिन के फाइनल्स खेल रहे ये ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ प्राइस पूल के लिए मेरे भाई। टॉप डॉग गोल्ड में है या नहीं, बस इतना बता दो भाई, अगर मैं इतना बता दूंगा तो 2 कॉल तो मुझे भी आ जाएंगे। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट ऑफिशियल, अब अगेन मैं मेजर पैसा अपना कमाता हूँ थर्ड पार्टी से, तुम सबको पता है, बट द थिंग इज कि थर्ड पार्टी और ऑफिशियल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑफिशियल बड़ी टीम छोटी टीम में भेदभाव नहीं करती। तुम जाके ऑफिशियल का थंबनेल खोलो, तुम्हें ऐसे ऐसे अंडरडॉग प्लेयर्स दिखेंगे ना जिनका तुम्हें नाम भी नहीं सुनोगा, बट वो थंबनेल में होंगे, वो थंबनेल में होंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला होगा। तो दैट्स हाउ ऑफिशियल ट्रीट पीपल, कि भाई हम सबको बराबर रखेंगे, एक तरफ अगर जॉनी की फोटो, दूसरी तरफ हम किसी अंडरडॉग की फोटो लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि भाई वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, वो टीम अच्छा खेल रही है, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है मेरे को ऑफिशियल की।